अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला को हम कैसे भूल सकते हैं? वह कोई और नहीं बल्कि कल्पना चावला है। 2003 में स्पेस शटल कोलंबिया के नष्ट हो जाने पर उन्होंने अपनी जान गंवा दी। पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करते समय स्पेस शटल टूट गया और उसमें सवार सभी 7 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। पृथ्वी पर कभी नहीं लौटने के बावजूद उनकी विरासत जीवित रही है। यहां हम संक्षेप रूप में उनके जीवन की कहानी सुनाएंगे, जो न केवल युवाओं को बल्कि उन महिलाओं को प्रेरित करती है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं। उनकी लगन और कड़ी मेहनत ने उन्हें अपने सपनों को हासिल करने दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। उनका जन्म 17 मार्च 1962 को करनाल, भारत में हुआ था। उनके पिता बनारसी लाल चावला थे और उनकी माँ संज्योति चावला थी। वह 4 बच्चों में सबसे छोटी थी। उनके स्कूल जाने तक उन्हें उनके माता पिता मोंटू बुलाते थे। जब उन्होंने शिक्षा में प्रवेश किया तो चावला ने अपना नाम चुना कल्पना। उन्होंने टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल करनाल में पढ़ाई की। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज भारत से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। 1980 में वह अमेरिका चली गई और अर्लिंगटन में टेक्सास विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 1988 में कोलोराडो विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी किया। 1988 में अपनी पीएचडी पूरी करने के बाद चावला नासा के एम्स रिसर्च सेंटर में शामिल हो गई, जहां उन्होंने एयरक्राफ्ट्स के फ्लूइड डायनामिक्स में विशेषज्ञता हासिल की। बाद में उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में एरोडायनामिक्स रिसर्च जारी रखा। 1991 में चावला ने अमेरिका की सिटीजनशिप हासिल की। नासा ने 1994 के अंत में चावला को एक एस्ट्रोनॉट के रूप में चुना और वह नासा के एस्ट्रोनॉट कोर्स में शामिल हो गई और 1995 में एस्ट्रोनॉट प्रशिक्षण शुरू किया। 1996 में उन्हें अपनी पहली उड़ान के लिए चुना गया। दूसरी ओर कल्पना चावला ने स्पेस शटल में यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। कल्पना चावला को अंतरिक्ष में उड़ान भरने का पहला मौका नवंबर 1997 में स्पेस शटल कोलंबिया में फ्लाइट STS-87 में मिला। सिर्फ 2 हफ्तों में शटल ने पृथ्वी की 252 परिक्रमाएं की। इस जर्नी पर शटल ने स्पार्टन सैटेलाइट के सहित कई प्रयोग किए और टूल्स ऑब्जर्व किए, जिसे कल्पना ने शटल से तैनात किया। स्पार्टन सैटेलाइट घटना के बाद उनके उत्कृष्ट कार्यों को पहचाना और पुरस्कृत किया गया। उन्हें एक टेक्निकल पद दिया गया था। 2000 में उन्हें फिर से फ्लाइट STS-107 के एक भाग के रूप में दूसरे फ्लाइट मिशन पर असाइन किया गया। इस मिशन के दौरान शटल इंजन फ्लो लाइनर्स में कई दुर्घटनाएं और दरारें पाई गईं। इस वजह से 2003 तक ये प्रोजेक्ट डिले हुआ। कई बार मिशन में देरी हुई और आखिरकार 2003 में इसे लॉन्च किया गया। 16 दिनों की उड़ान में क्रू मेंबर्स ने 80 से अधिक प्रयोग पूरे किए। 1 फरवरी 2003 की सुबह स्पेस शटल पृथ्वी पर लौट आया और इसे कैनेडी स्पेस सेंटर में लॉन्च करने का इरादा था। अधिकारी के अनुसार यह दुर्घटना फोम के टुकड़े के कारण हुई थी, जो लॉन्च करने के दौरान बाहरी टैंक से गिर गया और शटल के लेफ्ट विंग पर जा टकराया। इस टुकड़े ने शटल के लेफ्ट विंग में छेद कर दिया। इस टुकड़े ने शटल के विंग के थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम को बहुत नुकसान पहुंचाया। थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम एक ढाल है जो शटल को पुनः प्रवेश के दौरान हीट से बचाता है। रिपोर्ट में पाया गया है कि यह दुर्घटना शटल की वापसी के दौरान लेफ्ट विंग पर छेद की वजह से वायुमंडलीय गैसों के शटल के अंदर आने की वजह से हुई थी, जिससे शटल की हीट ज्यादा हो गई और शटल के आके गोले के रूप में टुकड़े हो गए। कुछ ही सेकंड्स में 7 क्रू मेंबर्स बेहोश हो गए और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। शटल 1 मिनट से भी कम समय में डीप्रेशराइज हो गया था और फ्लाइट के सारे मेंबर्स मारे गए थे। जमीन पर गिरने से पहले शटल टेक्सास और लुसियाना में टूट गई। शटल चैलेंजर के 1986 के विस्फोट के बाद यह दूसरी बड़ी आपदा थी। कहा गया है कि नासा कुछ चीजें कर सकता था, जैसे कि विंग की मरम्मत करना या क्रू मेंबर्स को शटल से बचाना। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने कल्पना सहित शटल के 7 सदस्यों की जान ले ली। क्रू मेंबर्स में रिक हस्बैंड, लॉरेल क्लार्क, इलान रेमन, डेविड ब्राउन, विलियम मैककुल, माइकल एंडरसन और कल्पना चावला शामिल थे। अमेरिका में रहने के बावजूद कल्पना चावला को भारत की शान माना जाता था। वह 372 घंटों के लिए स्पेस शटल में यात्रा करने वाली और पृथ्वी के वायुमंडल के चारों ओर 352 चक्कर लगाने वाली पहली भारतीय महिला थी। उनकी अचीवमेंट्स भारत और विदेशों में कई अन्य लोगों के लिए प्रेरणा रही हैं। उनके नाम पर कई साइंस
इंस्टीट्यूशन भी है। कल्पना चावला अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली भारत की पहली महिला एरोनॉटिकल इंजीनियर थी। एरोनॉटिक्स के क्षेत्र में अचीवमेंट्स और योगदान के मामले में वह कई महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन रही है। मेल डोमिनेटेड समाज में पली बड़ी कल्पना ने कभी भी अपने उड़ने के सपनों को किसी भी तरह प्रभावित होने नहीं दिया। वास्तव में वह अपने बैच में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाली पहली महिला थी। उनके कुछ स्मारक हैं: कर्नाटक सरकार द्वारा दिया गया कल्पना चावला पुरस्कार, अर्लिंगटन में टेक्सस विश्वविद्यालय में उनके नाम पर एक छात्रावास जहां से उन्होंने मास्टर्स किया, और हरियाणा में एक तारामंडल। यह उनकी सराहनीय उत्कृष्ट अचीवमेंट्स याद दिलाता है। भले ही उनकी मृत्यु अचानक और दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन उन्होंने देश में एक छाप छोड़ी और उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।